भी नया सिम कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो इस खबर को ध्यान से सुनिए, वरना आप लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं। आप लोगों को 50,000 रुपए से लेकर 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, खासकर जो लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं या फिर जो है नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में रहते हैं। अब आप लोग देखिए, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग और नॉर्थ ईस्ट स्टेट की स्टेट्स में रहने वाले लोग सिर्फ अपनी जिंदगी में 6 ही सिम्स खरीद सकते हैं। 6 सिम्स से ज्यादा उनके नाम पर सिम्स अगर पाई जाती हैं तो आप लोग मुश्किलों में आ सकते हैं। इसके अलावा बाकी अदर की बात की जाए तो बाकी सभी लोग जो हैं वो 9 सिम्स रख सकते हैं, यानी कि जो जम्मू कश्मीर के अलावा बाहर के इलाकों में रहते हैं वो लोग जो हैं वो सिर्फ 9 सिम्स रख सकते हैं, उनके नाम पर सिर्फ 9 सिम्स होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर पाई जाती हैं तो आप लोग मुश्किल में आ सकते हैं। और इसी के साथ आप लोगों को ये बता दिया जाए कि देश में न्यू टेलीकॉम कानून लागू कर दिया गया है। अब इस नए टेलीकॉम कानून के तहत ये बातें आती हैं कि एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ 9 सिम कार्ड होनी चाहिए, पर अगर जम्मू कश्मीर का रहने वाला है तो सिर्फ 6 सिम कार्ड खरीद सकता है। और अगर फर्जी तरीके से सिम खरीदी गई तो 50,000 से लेकर जो है 2,00,000 तक का जुर्माना तो होगा ही, पर 3 साल की जेल भी आप लोगों को हो सकती है। अब अगर कोई भी कंपनी अपना प्रमोशनल मैसेज भेजना चाहेगी कस्टमर को, तो वो प्रमोशनल मैसेज कस्टमर को भेजने के लिए पहले उनको कस्टमर की मंजूरी लेनी होगी। बिना कस्टमर की मंजूरी के कोई भी कंपनी जो है वो आप लोगों को मैसेज नहीं भेज सकती है। इसी के साथ अगर इमरजेंसी की कोई सिचुएशन आ जाती है, इस नए कानून के तहत ये कहा गया है कि अगर इमरजेंसी की कोई सिचुएशन आ जाएगी तो टेलीकॉम कंपनीज अपनी सर्विसेज जो है वो सस्पेंड कर सकती हैं। इसी के साथ मैसेज प्रोसेस भी जहां चाहे वहां रोक सकती हैं। तो ये चीजें जो है वो लाई गई हैं, इसलिए लाई गई हैं, आप लोग जानते हैं कि नया कानून जो है वो आए हैं। इस बीच न्यू टेलीकॉम कानून की हम बात कर रहे हैं, तो न्यू टेलीकॉम कानून में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ बदलाव लाए गए हैं, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें, ऐसा अक्सर पाया जाता है कि आप अपने नाम पर अपने बच्चों को कई बार सिम निकलवा के दे देते हैं, अपने फ्रेंड्स को दे देते हैं, अपने रिलेटिव्स को दे देते हैं, पर आप लोग इस खबर को ध्यान से इसलिए भी सुने कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड है ये पता होना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग अपने आधार कार्ड से भी ये चीज पता करवा सकते हैं कि कितनी सिम आईडीज आपके नाम पर एक्टिवेट है, कहां कहां चल रही है, किस किस के पास है। और इसी के साथ 9 से ज्यादा सिम कार्ड अब आपको इशू नहीं की जाएंगी बाहर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ 6 सिम कार्ड इशू की जाएंगी, इसके ज्यादा नहीं की जाएंगी। अगर आप लोग इसके अलावा फर्जी तरीके से लेते हैं तो 3 साल तक की जेल आप लोगों को हो सकती है। टेलीकॉम कंपनीज इमरजेंसी के सिचुएशन में कहीं पर भी अपनी सर्विसेज सस्पेंड कर सकती हैं कॉलिंग के लिए, और मैसेजेस भी जहां चाहे वहां रोक सकती हैं। इस पर कोई भी सवाल टेलीकॉम कंपनी से नहीं किया जाएगा क्योंकि वो इमरजेंसी के सिचुएशन में ये स्टेप्स उठा सकती है। अब इसलिए आप किस तरह से इस नए टेलीकॉम कानून को देखते हैं, आप लोगों की उस पर क्या राय है, आप लोग अपनी राय को जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग अपनी राय पर क्या कहते हैं। देखते रहे आप ऑल टाइम, फ्यूचर कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत।